ऋषि राज के चरण कमल में दास का साष्टांग प्रणाम स्वीकार हो। विजयी हो, सदा सुखी रहो महाराज। आज अचानक हमारे कुटी पे आने का क्या कारण है प्रभु? कहिए महाराज। अवश्य बताएंगे, अगर बताएंगे नहीं तो आप जानेंगे नहीं। हाँ राजन। और अपने कष्ट से हम छुटकारा भी नहीं पाएंगे गुरुदेव। हाँ राजन, आपका विचार उत्तम है प्रभु। बोलो राजन। कर चुका विवाह तीन गुरुवर, लेकिन फल उसका मिला नहीं, और चौथा पल है आने वाला, हाथ कमल अभी तक चिना नहीं। गुरुदेव। हाँ राजन। क्या जाने कैसा है भविष्य प्रभु? हाँ गुरुदेव। जो अब तक प्रभु अधिका है, और मैं निर्बल होता जाता हूँ, उस प्रबल दुख ने घेरा है। जिससे कुछ फल उत्पन्न न हो, और वो जलधर ही क्या जलधर है, जो जल ही से संपन्न न हो। प्रफुल्लित हो जाए, आत्मा भी आंखों में भी आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए। कम से कम एक पुत्र ही हो गुरुदेव। हाँ राजन। कम से कम एक पुत्र ही हो, जिससे रघुवंश बढ़े अपना, और पितरों को भी तर पर पहुंचे, आगे को नाम चले अपना। राजन, आपका विचार अति उत्तम है, परंतु राजन, और चिंता है बड़ी चिता से भी। राजन, चिंता है बड़ी चिता से भी, नरको निर्जीव जीते को चिंता खाती है, मुर्दे को चिता जलाती है। सत्य वचन, सत्य वचन। राजन, क्या यार सभी
बोला है ना, अपना यश आप कमाया है, क्या दुख पहला दे आदि देता बेटे में नाम राजन। अगर तुम्हें पुत्र चाहिए ही तो उसके लिए मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ राजन। इच्छा है अगर पुत्र ही की राजन, इच्छा है अगर पुत्र ही की तो पुत्र की संविधान करो पाओ। इच्छा है पुत्र राजन भगवान विष्णु का ध्यान करो। राजन के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है, वे माने तुम्हारे होते हैं उनको आचार्य बनाना है। ऐसा ही होगा राजन। पुत्रेष्टि के लिए श्रृंगेरपुर के निवासी श्रृंगी ऋषि महाराज को बुलाना है, क्योंकि वे तुम्हारे माने हैं और जो ये पुत्रेष्टि यज्ञ है ये मान्य द्वारा ही प्राप्त होता है। जैसी आज्ञा गुरुदेव, ऐसा ही होगा। ऐसुमान हो सका सुमान। हाँ गुरुदेव भगवान ने कहा है कि पुत्रेष्ठ यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि जी महाराज हैं। हाँ राजन, उन्हें दरबार में सादर आमंत्रित किया जाए और उनसे ये पुत्रेष्ठ यज्ञ के लिए कहा जाए, उनके कर कमलों द्वारा ये पुत्रेष्ठ यज्ञ हो तभी आपको पुत्र प्राप्ति संभव है। जी हाँ राजन। तो आप उन्हें उनके पास जाएं और उन्हें सादर आमंत्रित कर निवाल आए। कहां से आगमन हुआ है? गुरुदेव मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ का सखा सुमंत्र आपको बुलाने आए हैं कि आपको महाराज शीघ्र राज दरबार में बुलाए। ठीक है चलो चलते हैं। चले मुनिवर।
प्रणाम स्वीकार हो। प्रभु आसन ग्रहण करें। ऋषिराज जी, आपको यहां इसलिए आमंत्रित किया गया है कि महाराज दशरथ को कोई संतान नहीं है और आपको विधिवत पूर्वक पुत्रेष्टि यज्ञ करना है, इसीलिए आपको यहाँ हमारे आदेश में बुलाया गया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने हमें ही चुना है तो इस यज्ञ को हम विधिवत पूरा कराएंगे, लेकिन यहाँ पर ये यज्ञ नहीं होगा। ये कहाँ पे होगा? ये यज्ञ मखौड़ा नामक स्थान पर होगा। राजन, ये यज्ञ यहाँ पे संभव नहीं है, इस यज्ञ को हम लोगों को मखौड़ा नामक स्थान पे करना पड़ेगा। जो आगा गुरुदेव सका सुमन, ऐसा है कि यज्ञ के लिए हवन सामग्री इकट्ठा किया जाए और हम लोग यहाँ से प्रस्थान करें मखौड़ा धाम के लिए। केतुआय नमः, इदं केतुआय नमः, ओम स्थान दे
देवताय नमः, इदम् अस्तां देवताय नमः, ओम ओम राहवाय नमः, इदम् राहवाय नमः। ऋषिराज इतना सबका नाम ले लिए परंतु अभी तक अग्निदेव उपस्थित नहीं हुए, क्या कारण है? प्रभु, मेरे कुल देवता श्री रंगनाथ जी महाराज हैं, आप उनके नाम की आहुति दें। अच्छा, ओम रंगनाथाय नमः, ओम रंगनाथाय नमः स्वाहा, ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। राजन आंखें खोलो, राजन आंखें खोलो, राजन आपके यज्ञ से प्रसन्न होके हमारे पितामह ब्रह्मा ने हमें भेजा है और साथ में ये यहाँ पे प्रसाद दिया है, आप इसे स्वीकार के ले और इसे हम प्रसाद को ले जा करके आप अपने तीनों रानियों को खिला दे, इससे आपको जग में यश फैलाने वाले चार पुत्र प्राप्त होंगे। राजन जैसा कि अग्निदेव ने भी आपको कहा, आप ये हमें प्रसाद ले जाकर अपने तीनों रानियों में बराबर बराबर करके बांट दीजिए, आपको जग में यश फैलाने वाले चार पुत्रों की प्राप्ति होगी, आपके चिंता का निवारण हो चुका है। गले में खाई है सूरत अति अति भवरा, गले में